तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सॉल्यूशन को पढ़ा था, सॉल्यूशन के जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन क्या होता है और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, मास परसेंट बॉडी परसेंट, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन, जो मिक्सचर की एक कैटेगरी है, एक सॉल्यूशन थी, एक सस्पेंशन और एक कोलाइड है, इसके बाद हम कोलाइड्स को पढ़ेंगे। तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन आज हम नोट करेंगे, सस्पेंशन नोट डाउन, सस्पेंशन सस्पेंशन देखो ये बीकर में मैंने वाटर ले लिया, वाटर ले लिया बीकर में, अब इस वाटर में मैं कुछ सैंड उठाऊं, सैंड और सैंड डाल दूं इसमें और अच्छे से इसमें स्टिक से इसको स्टिर करते रहें रॉड से, ठीक है, ग्लास रॉड ले लो और उससे स्टिर करते रहे, ये सैंड पार्टिकल्स इसमें इस तरह से फ्लोट करेंगे, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स इसमें फ्लोट करने लगेंगे, अगर हम वाटर ले वाटर में सैंड डालते हैं उसको स्टिक करते रहेंगे तो उसमें सैंड पार्टिकल्स फ्लोट करेंगे। वाटर और दीज आर द सैंड पार्टिकल्स, आफ्टर कीपिंग दिस मिक्सचर अनडिस्टर्ब, अगर हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, ऐसे छोड़ दो रख दो आराम से बिना हिलाए हुए, देन व्हाट विल हैपन, यू विल ऑब्जर्व द सैंड पार्टिकल्स स्टार्ट सेटलिंग डाउन, सैंड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होने लगे, ऐसा हो गया नहीं, यस, सेटल्ड सैंड पार्टिकल्स, ठीक है, ये क्या है, सेटल्ड सैंड पार्टिकल्स, अगर हमने सैंड और वाटर के मिक्सचर को थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो वो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और वाटर उठ जाएगा, वाटर रह जाएगा, ठीक है, फिर वाटर और ये सेटल डाउन, सेटल सैंड पार्टिकल्स, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज सस्पेंशन, जिसमें क्या हो कि जो पार्टिकल्स हैं पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएं, अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाए, उसका डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग अलग हो जाए तो हम कहेंगे ये सस्पेंशन है, ये स्टेबल नहीं है, जैसे सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में एक बार शुगर को डिजोल्व कर दिया और शुगर डिजोल्व करने के बाद अगर हम उसको एक दिन दो दिन एक घंटे दो घंटे कितने भी टाइम तक उसको हम रखे रहने देंगे, वन मंथ तक भी रखे रहने दो, तब भी उसमें शुगर के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे तो वो स्टेबल है, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद शुगर के पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, कभी भी शुगर बॉटम पे सेटल नहीं होगी, तो ये शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर और वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होता, तो वो कैसा है, स्टेबल है। बट यहां पर सस्पेंशन में ये जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन का जो एग्जांपल है, इसमें क्या होगा, सैंड को अगर वाटर में डालोगे सैंड सेटल डाउन हो जाएगी, मडी वाटर अगर हम ले लेते हैं, जैसे मडी वाटर देखा होगा कीचड़ का पानी, उसको अगर हम भर के ले आए एक बीकर में तो हम देखें कि उसमें भी जो मड के पार्टिकल्स हैं, जो सॉयल पार्टिकल्स हैं, सॉयल पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं धीरे धीरे, सेटल डाउन होंगे, उसको सैंड के थोड़ा जल्दी होते हैं क्योंकि ये हैवियर है, सैंड के पार्टिकल्स उससे ज्यादा हैवियर होते हैं तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये रिजल्ट देंगे। मडी वाटर में भी हमें देखने को मिलेगा धीरे धीरे, उसमें कई स्टेजेस में होती है सेटलिंग जो होती है वो कई स्टेजेस में होती है, मड में कुछ पार्टिकल्स ज्यादा हैवियर होते हैं तो वो जल्दी बैठ जाते हैं, उसके बाद वाटर का जो कलर है वो थोड़ा सा फेयर होना स्टार्ट हो जाता है, होता है नहीं, वाटर का कलर थोड़ा सा फेयर होना स्टार्ट होता है, पहले बहुत ज्यादा गंदा होता है,
फिर वो थोड़ा कम गंदा लगता है। फिर उसके बाद और जो उससे कम हैवियर पार्टिकल्स हैं वो सेटल होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर उसे बहुत लॉन्ग टाइम तक छोड़ दिया जाए मडी वाटर को, तो ऊपर बिल्कुल क्लियर वाटर आ जाता है और पूरी की पूरी जो सॉयल पार्टिकल्स हैं वो सब सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पर। तो कई स्टेजेस में होता है इसमें, मीन्स दैट इज ऑल्सो सस्पेंशन। सेटलिंग तो हो रही है, सेटलिंग हो रही है, स्टेबल नहीं है, तो वो भी क्या है, सस्पेंशन है। दूसरा अगर हम एक एग्जाम्पल, ये चॉक पाउडर को अगर हम वाटर में डिजोल्व कर दें और फिर उसको छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, तो वो भी क्या होगा, उसमें चॉक पाउडर सेटल डाउन हो जाता है सेटल डाउन। तो ये भी क्या है, सस्पेंशन। एक और आपको एग्जाम्पल ये है, आपने देखा होगा जब एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी के लिए एक हमें लिक्विड सिरप जैसा दिया जाता है, वो सिरप पिंक और वाइट कलर का कुछ रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा होता है सस्पेंशन, ठीक है, और नोट भी लिखा होता है कि चेक वेल बिफोर यूज, अच्छे से उसको चेक करना है यूज करने से पहले। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक टाइप का सस्पेंशन है, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए जब हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन वो सारे मिक्सचर सस्पेंशन है जिनमें क्या होता है, पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। छाप लेते हैं, डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, ये भी छाप लेंगे। सस्पेंशन आर हेटरोजीनियस मिक्सचर्स इन विच पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम on keeping them undisturbed. This is the definition for suspension. Now note down two or three examples. नो डाउट एग्जाम्पल्स, अभी मैंने एक्सप्लेन किया बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो सैंड वाटर, सैंड वाटर का जो मिक्सचर है दैट इज अ सस्पेंशन। मडी वाटर, चॉक पाउडर एंड वाटर, सस्पेंशंस। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस, जैसे हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, सॉल्यूशंस होमोजेनियस होते हैं, सॉल्यूशंस स्टेबल होते हैं, सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते, मींस वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, सॉल्यूशंस का जो पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, इवन हम 10 फिल्टर पेपर भी क्यों ना यूज करें वो पास हो ही जाएंगे, मतलब फिल्टर पेपर की हेल्प से हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट निकाल। तो ये सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। द सेम नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। ओके, इसको छाप लिया होगा, छाप लो, छाप लो, ठीक है। Properties of suspension. Properties of suspension. Properties of suspension.
सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सस्पेंशंस कैसे हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। मतलब यह है कि अगर हम एक सस्पेंशन को ले तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। जैसे कि सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हम सॉल्यूशन में कोई भी पार्ट उठा के देख लें उसकी कंसंट्रेशन सेम होगी, और इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर हम एक सस्पेंशन ले लें उसके उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और 10 पार्ट्स में जो कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग अमाउंट में उसमें पार्टिकल्स अवेलेबल। क्लियर? तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड, अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें, जैसे सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज, पार्टिकल सॉल्यूशन के इतने छोटे होते हैं, मैं साथ साथ कंपेयर भी कर रहा हूँ, इसीलिए सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। तो पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। क्या मतलब है इसका कि 1 नैनोमीटर छोटे होते हैं? किस तरह से छोटे होते हैं? उनका डायमीटर, उनका डायमीटर की बात करें, डायमीटर की, जैसे ये एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। इसमें ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, ये वाटर है फॉर एग्जाम्पल, ये वाटर में डिसॉल्व। तो ये जो सस्पेंशन का जो पार्टिकल है इसका ये डायमीटर होगा, ये सस्पेंशन का जो पार्टिकल है इसका क्या होगा? डायमीटर होगा। अगर मैं इसको एक्स ले लू, देन इट विल बी ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। इसका जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से ग्रेटर होगा। सॉल्यूशन में क्या होता है, 1 नैनोमीटर में इसका जो डायमीटर है, डायमीटर साइज पार्टिकल का, दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर और स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। बट हियर दिस पार्टिकल साइज, और वी कैन से द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ओके, तो ये 100 नैनोमीटर से बड़ा है, इतना बड़े 100 नैनोमीटर से बड़े। डायमीटर ऑफ पार्टिकल की बात की जाए, साइज से मतलब है डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? नोट कर लीजिए करेक्ट क्वेश्चन क्या है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। द साइज ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंशन ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। क्या मतलब पार्टिकल साइज का? मतलब डायमीटर ऑफ पार्टिकल। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। मींस दे कैन बी सेपरेट बाय द यूज ऑफ फिल्टर पेपर। हम फिल्टर पेपर का यूज करके सस्पेंशन से उसके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है, वाटर से, जैसे वाटर से सैंड को अलग कर सकते हैं। अगर वाटर से सैंड को सेपरेट करना है तो हम फिल्टर पेपर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। चॉक पाउडर को अगर वाटर से अलग करना है तो हम फिल्टर पेपर की हेल्प से कर सकते हैं। मीन्स दे कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, द पार्टिकल्स इन सस्पेंशन कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। नोट कर लेंगे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक,
इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम इजिली नेकेड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेकेड आई से जब सैंड के पार्टिकल्स हैं भाई दिखाई देते हैं, मड, ठीक है, मड, मडी वाटर है, उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो भी मैं नेकेड आई से दिखाई देते हैं, तो दे कैन बी सीन इजिली, ठीक है, दे कैन बी सीन इजिली। तो पार्टिकल्स इन सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली, पार्टिकल्स इन सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली। फोर्थ करेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स इन सस्पेंशन can be seen easily, can be seen easily. fifth characteristic they are unstable. वो कैसे हैं? unstable है, जैसे कि solution बहुत ज्यादा stable है, solution को हम कितना भी time तक रख दें वो कभी भी उसके particles और उसका जो solute और जो solvent है वो कभी भी separate नहीं होगा by its own, ठीक है, अपने आप से सेपरेट नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या है अपने आप से ही सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, पार्टिकल सेटल डाउन जाकर नीचे और जो लिक्विड होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये सस्पेंशन की कैटेगरी है। तो दे आर अनस्टेबल होते हैं। पार्टिकल से लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट तो शो करते हैं, मींस लाइट को स्कैटर करते हैं, अगर हम एक जैसे इससे अगर लाइट पास करेंगे, एक बीम ऑफ लाइट पास करेंगे इसमें से, तो ये बीम पूरे सस्पेंशन में क्या होगी, स्कैटर हो जाएगी, पूरा सस्पेंशन ग्लो करेगा, पूरे सस्पेंशन में लाइट फैल जाएगी, जबकि सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, बीम होगी वो सीधी पास हो जाएगी सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट सीधी पास हो जाएगी, जैसी है ऐसे सीधी पास हो जाएगी ऐसे, लेकिन सस्पेंशन होगा तो ये बीम ऑफ लाइट यहां आकर स्कैटर होगी और ये पूरे सस्पेंशन में फैल जाएगी, क्लियर। दिस इज टिंडल इफेक्ट, मींस सस्पेंशन शोज टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन शोज टिंडल इफेक्ट। छाप लो फटाफट।